केसर में भी मिलावट। मैंने जब 20 साल पहले केसर लिया तो एक भाई सुधांशु थे, वो केसर बेचा करते थे। अब तो अपने यहां क्विंटलों में नहीं टनों में केसर आती है। उस समय हम किलो में तो उस समय भी खरीदते थे, तो कहते थे बाबा जी अमृतसर में नकली केसर बनाने की फैक्ट्रियां हैं। तुम एकदम से चौंका, नकली केसर? बोले बाबा जी ऐसी कटिंग करते हैं पता ही नहीं लगने देते। अब ये केसर हमारी यूएसपी, मैंने आपसे भी कहा था इस बात को, हमारी यूएसपी क्या है? हमारी यूएसपी को मैंने अपनी पहचान को मैं शब्द दे रहा था, शुद्धता, सेवा। खुद का मैं औषधियों का निर्माण का खुद का मैन्युफैक्चरिंग, और चौथी चीज सबसे सस्ते और सबसे अच्छे। लोग कहते थे अच्छा होगा तो सस्ता नहीं होगा और सस्ता होगा तो अच्छा नहीं होगा। हमने सबसे सस्ते और सबसे अच्छे इस स्लोगन के साथ में अभियान शुरू किया था, और अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने पूरी कंपैरेटिव लिस्ट डाली। खलबली मच गई। केसर देश नहीं, मैं कहता हूं दुनिया का सबसे सस्ता, और 100% एक दाना भी इसमें को नकली नहीं निकाल सकता, एक दाना भी। ये दाने इसमें थोड़े थोड़े, ये इसमें ये दाने होते हैं, एक दाना भी इसका कोई नकली नहीं निकाल सकता। व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, पीछे तो कुछ ऐसी सरकारें थी जिन्होंने एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार केसर की टेस्टिंग करवाई, स्वर्ण भस्म की टेस्टिंग करवाई। जिन योगों में स्वर्ण भस्म पड़ती है तो जिस मात्रा में लिखी हुई उसी मात्रा में पड़ती है, नहीं पड़ती, इसकी टेस्टिंग करवाई। हो क्या रहा था? नकली केसर। अब 100% असली केसर यदि किसी को चाहिए, और वो भी कश्मीरी केसर, स्वदेशी केसर, वो पतंजलि की मिलती है। पैकिंग भी ठीक ही है। अब लोग क्या करते हैं, चांदी की डब्बी में केसर डाल के देते हैं। चांदी की डब्बी तो खानी नहीं, और रेट उसका अनाप से अनाप। केसर का थोड़ा ऊंचा नीचा होता रहता है भाव। अभी क्या रेट से दे रहे हैं? 225। अब केसर के रेट बहुत अप डाउन होते रहते हैं, इसलिए इसमें मूल्य एक जैसा नहीं रहता है, लेकिन क्वालिटी एक जैसी रहती है। 100% शुद्ध केसर।